तो फ्रेंड वन सेकेंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन टेक। फ्रेंड हम आज की वीडियो में जानेंगे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के जो भी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी छात्रों का वोकेशनल सब्जेक्ट बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन और योगा हो गया उसका पेपर कैसा होगा। क्योंकि फ्रेंड मेरे पास प्रीवियस सेमेस्टर का मॉडल पेपर है कि आप सभी छात्रों को बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और फ्रेंड साथ में ही ये भी कन्फर्म हो चुका है कि आप सभी छात्रों का पेपर MCQ होगा कि रिटेन बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम यही जानेंगे बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी छात्रों का पेपर कैसा आएगा। क्वेश्चन पेपर जो कि इसका पेपर जो कि कॉलेज के द्वारा ही सभी कॉलेज के द्वारा अलग अलग डेट में ही कराया जाएगा और जो योगा हो योगा का भी सेम ऐसे ही प्रोसेस रहेगा। तो फ्रेंड आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने क्योंकि फ्रेंड जो प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर है उसमें से मैक्सिमम चांस है कि आप सभी छात्रों को क्वेश्चन पेपर वैसे ही आएंगे। और फ्रेंड साथ में जो बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया और योगा का जो भी पेपर होगा इसका परसेंटेज का जो नंबर होगा आपके मार्कशीट में ऐड होगा, साथ में आपका परसेंटेज भी बढ़ सकता है इन दोनों सब्जेक्ट के वजह से क्योंकि फ्रेंड ये पेपर आपके कॉलेज के द्वारा ही होगा। तो फ्रेंड आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि फ्रेंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें क्योंकि फ्रेंड महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। ऊपर देख सकते जिसमें दिया बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो फिर इसका जो पेपर होता है आप सभी छात्रों के कॉलेज के द्वारा ये जो पेपर है मेरे पास जो कि यहाँ पे सिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ के द्वारा प्रीवियस सेमेस्टर में हुआ था वही पेपर है मेरे पास जिसमें फ्रेंड आप सभी छात्रों का जो भी बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होगा वो रिटेन ही पेपर होगा 75 नंबर का जो कि पेपर होगा जिसमें पेपर फ्रेंड कुछ इस टाइप का होगा जो कि सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी में क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें फ्रेंड्स तो यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में। जैसे फ्रेंड आप जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में बहुविकल्प मतलब शॉर्ट आंसर टाइप और फ्रेंड सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत होने वाली है जो कि हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है बीए वगैरह को उसमें जो कि पेपर आप सभी छात्रों को इंग्लिश में ही दिए रहेंगे हिंदी में पेपर नहीं रहेंगे। जैसे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो कि यहाँ पे 2 नंबर में जो भी शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक स्पेस की क्या होता है तो फ्रेंड इसके बारे में आप सभी छात्रों को लिखना होगा। फ्रेंड ऐसे जो कि 10 क्वेश्चन आप सभी छात्रों को 2 नंबर के दिए रहे हैं जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग रैम वगैरह के बारे में दिया गया रैम वगैरह हो गया एक्सेल वगैरह एमएस वर्ड वगैरह के बारे में ही कंप्यूटर के बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में ही दिया रहेगा। डिफाइन द यूजेस ऑफ काउंट फंक्शन इन एक्सेल वगैरह के बारे में दिया रहा है एमएस वर्ड एमएस एक्सेल ऐसे फ्रेंड यहाँ पे एक्सप्लेन करना है रैम और रोम में भी एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया जो कि 2 नंबर को है। और फ्रेंड ऐसे ही 10 क्वेश्चन दिए रहे हैं और फ्रेंड आप दिया नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन गिव आंसर आप ईच क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड जो कि 200 शब्दों में आप सभी छात्रों को 5 क्वेश्चन करने होंगे एक क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का रहेगा। तो फ्रेंड आप सभी छात्र क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे जो कि यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है फ्रेंड हम सभी क्वेश्चन को जो कि रीड करके बताएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड आप सभी छात्र एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑटो सम बटन इन MS Excel के बारे में दिया गया है एक्सप्लेन द सेटिंग ऑफ हाइडर ऑन फूटर इन एक्सेल डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ दिया गया और फ्रेंड ऐसे जो कि यहाँ पे 2-4 यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें आपसे चाहते हो 5 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो फिर ऐसे जो कि यहाँ पे दिया गया जो कि थर्ड सेक्शन में जो दिया अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन गिव आंसर आप ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड क्योंकि 500 शब्दों में आप सभी चाहते हो 2 क्वेश्चन करने होंगे जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 4 से 4 क्वेश्चन दिए होंगे। फिर दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो कि 9th 10th 11th 12th करके दिया रहेगा व्हाट इज द स्टोरेज डिवाइस वगैरह के बारे में भी आप सभी छात्रों को लिखना हो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह के बारे में भी दिया गया। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि व्हाट इज द मेल मर्ज करके जो भी टॉपिक यहाँ पे बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में अगर आप सभी छात्रों को पता होगा तो आप सभी छात्रों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा जो भी कंप्यूटर कोर्स वगैरह किए होंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा जैसे MS Word हो गया MS Excel हो गया वो भी कोर्स वगैरह इसमें जो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी कुछ दिया ड्रा फ्रेंड जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया ड्रा ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्सप्लेन CPU एंड
एंड इट्स पार्ट इन डिटेल। तो क्या आप सीपीयू के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखना, सबमिट असाइनमेंट बिफोर 10th अगस्त, व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर, ऐसे बात जो कि फ्रेंड ऐसे कंप्यूटर के बारे में ही सब कुछ दिया रहेगा। फ्रेंड आप सभी चाहते यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए होंगे क्वेश्चन पेपर को एक बार आप सभी चाहते रीड करके जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी चाहते हो कि एग्जाम में आएंगे। फ्रेंड एक बार हम आप सभी चाहते हो कि एमसीक्यू भी पेपर जो कि शो करके दिखा देंगे, लेकिन पेपर आप सभी चाहते हो का रिटेन ही होगा, आप सभी छात्र कंफर्म हो जाइएगा। जो भी बी ए बी एस सी बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका वोकेशनल सब्जेक्ट है योगा हो गया या बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, उन सभी छात्रों का पेपर पैटर्न रिटेन ही होगा, जिसमें दिया गया डी ए बी कॉलेज की नोटिस है जिसमें दिया बी ए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है योगा की मुख्य लिखित परीक्षा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा 5 जनवरी को 8:30 बजे निर्धारित की गई है। इसमें फ्रेंड जो कि रिटेन एग्जाम में फ्रेंड एक या दो टॉपिक दे दिया जाएगा योगा से संबंधित, उसी से लिखना होगा, और जो प्रयोगात्मक में आप जो चाहते हो आसन वगैरह करा के एक दो शो करना या तो दिखाना होगा कि आसन वगैरह वो भी ग्रुप वगैरह में किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा योगा में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसमें पूरा जो पेपर रहेगा पेपर को सॉल्व करना होगा, कापी वगैरह भी चेक होती है। तो फ्रेंड इसलिए आपसे चाहते हो कि बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का मेरे पास प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर है उसको, और फ्रेंड बी ए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के जो भी योगा वगैरह सब्जेक्ट है सभी छात्रों को उसका पेपर जो कि रिटेन ही होगा। और फ्रेंड इसका जो डेट वगैरह होती है सभी कॉलेज की अलग अलग डेट होती है, जैसे फ्रेंड डी ए बी कॉलेज में 5 जनवरी और 3 जनवरी को यहाँ पे योगा का पेपर होगा, और बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो होगा यहाँ पे सिबली कॉलेज में यहाँ पे फ्रेंड 2 जनवरी को ही इसका पेपर होगा। तो फ्रेंड इसलिए आप सभी छात्र अपने कॉलेज में पता करते रहें कि आपके कॉलेज में कब एग्ज़ाम होगा।